सो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ मिलियनेयर टेक के बारे में। और आपने ये और ये वाली वीडियो जरूर से देखी होगी आपने, और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे कि पीयूष भाई तो हमको झूठ बोलते हैं, या फिर पीयूष भाई तो बदल जाते हैं, कभी इस बात के बारे में बात करते हैं, कभी उस बात के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे के सारे डाउट आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि मैं कभी मिलियनेयर टेक को फ्रॉड बताता हूँ, कभी अच्छा बताता हूँ। और मतलब फ्रॉड में सिर्फ थंबनेल में ही बताता हूँ, ठीक है, अंदर में आप उसको उसकी गलतियाँ बताता हूँ, कभी मैं उसको बहुत अच्छा बता देता हूँ, कभी ज्वाइन करने कहता हूँ, कभी नहीं ज्वाइन करने कहता हूँ। तो सबके कुछ अलग अलग यहाँ पे तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप में वो सारी चीज़ें हैं तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली सारी चीज़ बताऊँगा कि मिलियनेयर टेक सही है या नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे लोगों को, क्योंकि मैंने वीडियोज़ में बताया है, अपनी कुछ वीडियोज़ में बताया है कि मिलियनेयर टेक से अच्छा स्किल राइज है, आप स्किल राइज को भी कर सकते। तो मैंने मिलियनेयर टेक की बुराई नहीं की थी, मैंने मिलियनेयर टेक को उससे कंपेयर किया था, ओके, कि भाई उसको क्यों नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं तो बोलता हूं मिलियनेयर टेक को मत ही करो, बट उसको क्यों कर सकते हो आप, क्योंकि देखो उससे पैसा तो भरमा आप कमा सकते हो, बट वो किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, कौन लोग उस प्लेटफॉर्म से मिलियनेयर टेक से अर्निंग्स कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ओके। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल से हिट कर देना, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाए, ओके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मिलियनेयर टेक के बारे में। तो भाई मिलियनेयर टेक को मैंने अपने थंबनेल में स्कैम क्यों बताया है, तो सबसे पहले मिलियनेयर टेक को स्कैम नहीं है, बट देखो दो चीजें होती है एफिलिएट मार्केटिंग में। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एक तो आप जब पैसा देते हो तो आपको यहां पे, जैसे आपको बताया मिलियनेयर टेक में 599 से स्टार्ट हो जाते हैं कोर्स, तो भाई जब आप 599 पे करते हो तो आपको उसमें कोर्सेस मिलते हैं, ठीक है, आपको उसमें कोर्सेस अलग से मिलते हैं, बट वो कोर्सेस ही आपको मिलेंगे। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग एडटेक कंपनीज में क्या होती है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा देना रहता है, किसी भी प्रोग्राम में आपको कोर्स मिलेंगे, साथ ही साथ उन, अब आपको काम क्या करना रहता है, आपको सिर्फ उन कोर्सेज की लर्निंग नहीं करना रहता है, आपको इन कोर्सेज की एफिलिएट मार्केटिंग भी करना रहता है। तो भाई अब आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करोगे, आपको आता होगा तभी करोगे ना। तो भाई मिलियनेयर टेक में एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जो है ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ओके, ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि मिलियनेयर टेक को अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, अब बंदों को कैसे लाना है, कस्टमर्स कैसे लाना है, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करना है, सेल्स क्लोजिंग, अब बहुत सारी चीज़ होती है सेल्स में, वो सारी की सारी चीज़ आपको आना चाहिए, तब जाके आप अर्निंग करोगे, बट मिलियनेयर टेक में वो सारी चीज़ें नहीं है। बट मेरे लिए मिलियनेयर टेक अच्छा है, बहुत से लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अगर पहले से एफिलिएट मार्केटर रह चुके, किसी कंपनी में काम कर चुके, या फिर उनको सेल्स का नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके, या फिर कुछ ऐसा काम कर चुके, तो उनके लिए मिलियनेयर टेक करना बहुत चुटकियों का काम है, क्योंकि कम प्राइस का है और लोग कम प्राइस वाले को ढूंढ रहे हैं और ज्यादा करते हैं, लोग वैल्यूज नहीं देखते। प्लस इसमें जो कोर्सेस है वो कोर्सेस देखो यहाँ पे प्लान बिक रहा है, प्लान यानी कि कम प्राइस में मिल रही है इसलिए बिक रहा है, और कोर्सेस कोई भी वैल्यूएबल नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। थोड़े बहुत वैल्यू आपको प्रोवाइड, देखो वैल्यू थोड़ी बहुत तो प्रोवाइड करेंगे, बट वो तो आपको YouTube वगैरह पे ही मिल जाएगा। अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई मिलियनेयर टेक बहुत ही घटिया है, मत करो, इससे अच्छा स्किल राइज कर लो, तो भाई वो मैंने क्यों बोला था, वो मैंने इसीलिए बोला था कि स्किल राइज में जो है अपनी ट्रेनिंग मिल रही थी आपको, ठीक है, स्किल राइज में आपको ट्रेनिंग मिल रही थी, प्लस कोर्स उसमें बहुत अच्छे मिल रहे थे, ठीक है, और ट्रेनिंग भी मिल रही थी, इसलिए मैंने इसीलिए आपको जो है सजेस्ट किया था कि आप स्किल राइज को करो, क्योंकि वो भी 1000 रुपये में स्टार्ट हो रहा है, तो भाई इधर आप 500-600 रुपये दे रहे हो और उधर आप जो है 400 रुपये ऊपर दे के आप मतलब कि अच्छी कंपनी कर रहे हो, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग बेस मिल रहा है, वीकली ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है, सेम डे पे आउट मिल रहा है, तो भाई इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। सिर्फ इसीलिए मैंने उसको प्रमोट किया था, और वो प्रमोट नहीं किया था, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया था, मुझे मिला था, मैंने आपको बता दिया। और अभी की बात करूँ तो अभी मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, तो अभी आप देख लो, अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट पे आए हो, ठीक है, अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट में रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को अभी होल्ड पे रख दिया है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग को अभी नहीं कर रहा हूँ। और क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैम नहीं है भाई, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसको कि आप बिना किसी ज्यादा एक्सपीरियंस के कर सकते हो, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज है। तो किसी से भी अगर आपने बात करी होगी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो आप हमेशा उससे ये पूछो कि भाई हमको इसमें सिखाया जाएगा, कि आप ट्रेनिंग दोगे। होता क्या है, मैंने किससे ट्रेनिंग ली थी, तो भाई मैंने बहुत सारे कंपनी को ज्वाइन किया है, तो मैंने एक कंपनी को उठाया, उस कंपनी के ओनर से बात की कि क्या मैं आपकी जो है ट्रेनिंग को शेयर कर सकता हूं, तो उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो, पर सामने वाले ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। तो मिलियनेयर टेक में मुझे वैल्यू प्रोवाइड हो रही थी, तो मैंने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, ओके, किसी अदर कंपनी की, क्योंकि होता क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में सारी की सारी कंपनियां अलग अलग होती है, ठीक है, सारी कंपनीज अलग अलग होती है, बट उनका काम तो एक ही होता है, ओके, उनका काम एक ही होता है, सिर्फ इसीलिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट किया,
ओके किसी भी चीज को प्रमोट किया, इसीलिए मिलेनियटेक अच्छा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों मिलेनियटेक को बुरा बताता हूँ, क्यों अच्छा बताता हूँ। वैसे बुरा है नए लोगों के लिए और बहुत बढ़िया है अच्छे लोगों के लिए, बट मतलब कि नए लोगों के लिए भी वो अच्छा हो सकता है अगर उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, कोई पर्सनल मेंटरशिप दे, कुछ ऐसी चीज़ें करे तो ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मेहनत तो करना ही पड़ती है, ओके। और पहली बात मैंने आपको अभी बता दिया है कि कोई भी मुझे मैसेज मत करना इसके बारे में या फिर ढूंढना करना नंबर वंबर, क्योंकि मैं इसका रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं देता, क्योंकि बल्ब मेरे पास लीड आ चुकी है और मैं किसी अदर जो है प्लेटफॉर्म पे, या फिर मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा, किसी अदर प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास यूट्यूब चैनल भी है तो मैं किसी ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को बंद किया। बट आप समझ गए होंगे, आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे कि मिलेनियटेक एमटी को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों पैसा उससे बनता है या नहीं बनता है, और सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल से हिट कर दो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल से मिल जाए। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।